तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर। तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो, और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन। ईवीएम्स आर 100%। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आइए बात करते हैं आज देश में ईवीएम के हैक होने की और ईवीएम के गड़बड़ी की। जी हां, पिछले काफी समय से ईवीएम को लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। देश में लगातार इस बात पर चर्चाएं हो रही हैं। लगातार बहुत सारे नेता आरोप लगाते रहे हैं कि ईवीएम के हैक होने की वजह से और ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से लगातार उनकी पार्टियां हार रही हैं। लगातार जो सत्ता पक्ष है वो जीत हासिल कर रहा है, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी है, वोट कहीं और डाला जाता है और वो पड़ कहीं और जाता है। उनका कहना ये है कि उनकी हार की वजह ईवीएम में गड़बड़ी का होना है, और जो सत्ता पक्ष है, जो भाजपा वाले हैं, वो जीत भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि उन्होंने ईवीएम को हैक कर रखा है। अब बात यहां पर आती है कि क्या वास्तव में ईवीएम को हैक किया गया है, या मात्र ये एक दिखावा है, ये एक हल्ला मचाने की कोशिश है, अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश है। तो आइए बात करते हैं इस पर विस्तार से। बहुत सारे नेता इस बात का आरोप लगाते रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी अन्य पार्टियां या अन्य नेता हो। अखिलेश यादव भी इस बात को लेकर लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि ईवीएम जो है हैक हो जा रही है, ईवीएम में गड़बड़ी होती है और इसीलिए एक बार फिर से बैलेट पेपर पर वोट कराए जाने चाहिए। लेकिन अब बात यहां पर यह भी आती है कि क्या वास्तव में ईवीएम में गड़बड़ी होती है, या ईवीएम में गड़बड़ी होने का सिर्फ हल्ला किया जाता है। अगर इस बात पर विस्तार से चर्चा करें तो एक बात सामने आएगी कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई या ना हुई ये एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जो विपक्ष ही करते हैं और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। इसके बाद वो आरोप लगाते हैं ईवीएम पे, आरोप लगाते हैं मशीनों पे, आरोप लगाते हैं अपने विपक्षी पार्टियों पे। एक बात और देखने को आती है कि जब भी ये पार्टियां या जब भी ये नेता कहीं जीत जाते हैं तो इसे जनता की जीत बताकर किनारा कर लेते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं। उस समय ये नहीं कहते हैं ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से हमने ये जीत हासिल की। लेकिन जब भी ये नेता हार जाएंगे, जब भी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, जब भी इनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा, तो ये ईवीएम की गड़बड़ी का बहाना बनाकर अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं। वहीं दूसरी पार्टियों को, या जो विपक्षी पार्टी है जिसने जीत हासिल करी है, उसको ये गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। इस ईवीएम के हैक होने का एक दूसरा पक्ष भी है। वास्तव में ईवीएम हैक होती है नहीं होती है, इस बात का अंदाजा आप लगाइएगा कि क्या ये ईवीएम हैक होने की बात सही है या गलत है। कहा जाता है जिस देश में हम रह रहे हैं वो देश एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया के अगर लोकतांत्रिक देशों की बात की जाए तो उन सभी देशों में भारत नंबर वन पर है। और लोकतंत्र की एक परिभाषा ये भी है कि लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है कि वो अपनी पूजा पद्धति, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी चीज अडॉप्ट कर सकता है, अपने अनुसार जीवन जी सकता है, अपने अनुसार वो हर वो कोई काम कर सकता है जो कि एक स्वतंत्र देश का नागरिक कर सकता हो, बशर्ते उससे किसी को तकलीफ ना हो रही हो, किसी को कोई परेशानी ना हो रही हो। वही चीज हमारे देश में भी है। लेकिन यहां पर सत्ता लोलुप और सत्ता के प्यासे कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता की चाटनी चाटने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश में लगे रहते हैं, उसके लिए भले ही देश को कितना भी नुकसान उठाना पड़ जाए। इसके लिए ये नेता, ये पार्टियां अपने आप को इतना गिरा देती हैं जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते।
कई बार ऐसा देखने को मिला है कि ये नेता एक दूसरे के धर्म पर टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं। ये नेता एक पक्ष को खुश करने के लिए दूसरे पक्ष को गाली देने तक की कोशिश करते हैं। कम शब्दों में कहा जाए तो शायद सांप भी उतना जहर ना उगल पाएगा जितना जहर ये कुछ तथाकथित लोग उगलने की कोशिश करते हैं, और इससे भावनाएं भड़कती हैं। एक पक्ष का वोट पाने के लिए ये जिस तरह से दूसरे पक्ष को हताहत करते हैं, दूसरे पक्ष की भावनाओं को चोटिल करते हैं, शायद उसी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ता है। और फिर ये कहते हैं कि मशीन हैक हो गई है, ईवीएम हैक हो गई है, और इसकी वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। अब आइए आपको सुनाते हैं एक ऐसे ही नेता का बयान जिसने कि एक ऐसी ही बयानबाजी की है जिससे बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। ये चीज कितना सही है कितना गलत है इसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा। पहले आप बयान देख लीजिए। नहीं क्यों, मैं क्यों मंदिर में बनाने के बाद, मैं तो कह रहा हूँ इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को, क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों की शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंचेगा। मस्जिद के लिए नहीं, मस्जिद वाले मस्जिद का जवाब दे। नहीं, मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे कौन, वो भी नहीं रहना। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं करते मंदिर में। मस्जिद में जाके और कुछ नहीं करते, वो भी नहीं रहना चाहिए। कहाँ नहीं है, उनकी इबादत की जगह है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो रहना चाहिए। क्यों, कौन मना कर रहा? मंदिर भी और रखो तो आप मेरे से क्यों कह सकते हैं कि आप दलित को मंदिर में जाना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं दलित को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। इस देश के किसी भी गरीब समझदार व्यक्ति को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उसको जाना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए, कॉलेजों में जाना चाहिए, लाइब्रेरी में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ज्ञान मिलेगा तो उजाला फैलेगा, अगर ज्ञान नहीं मिलेगा इस देश में कुछ। ये नेता जी जिनका बयान अभी आप सुन रहे थे, इनको भी सपा ने अपनी पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया है, और ये मेरठ के रहने वाले हैं। इनका नाम भानु सिंह है, जो घोर सनातन विरोधी है। बयान में अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से मंदिरों को, पूरे देश के मंदिरों को तोड़ देने की बात करते हैं। वहीं पर जब दूसरे पक्ष की बात आती है तो कहते नहीं, ये तो उनका संवैधानिक अधिकार है। ये ऐसे ही लोग हैं, ये जो भी लोग हैं, इनको अपने सत्ता की इतनी चाह है कि सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इनका बयान शायद यही बयां करता है। मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी भी जाति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए और ऐसी बयानबाजियों से बाज आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान किसी एक पक्ष के लिए नहीं है, संविधान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, संविधान सभी के लिए है और समान रूप से है। आज ये नेता जो किसी एक पक्ष का वोट पाने के लिए ऐसी उलोल जुलोल बयानबाजी कर रहे हैं, शायद इन्हें नहीं पता कि इसका कितना बुरा परिणाम इनकी पार्टी को झेलना पड़ रहा है। अभी कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के ही महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का ही ऐसा बयान वायरल हो रहा था। उन बयानों का परिणाम ये हुआ कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अपना कोर वोटर खोना पड़ा है। और अगर ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी का कोर वोटर यानी कि यादव बिरादरी जो है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इनसे कट गया है, इनसे दूर हो गया है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जब आपका बेस खत्म हो जाएगा, आपका जो आधार है, जो आपका वोटर है, जो कोर वोटर है, जब वो आपका सपोर्ट नहीं करेगा, वो आपका साथ छोड़ना शुरू कर देगा, तो मशीनें तो हैक होंगी ही और उसका परिणाम भी आपको हार के रूप में देखना पड़ेगा। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था, ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो, और बाद में गोया
जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन ईवीएम्स आर 100%। कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर चिल्लाने से कि मशीनें हैक हो गई हैं और इसी वजह से हम हार गए हैं। बेहतर होगा कि मशीनों को हैक होने से बचाया जाए और अपने कोर वोटर्स को किसी भी तरह से नाखुश ना किया जाए, उन्हें किसी भी तरह से अपने पाले से जाने ना दिया जाए। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।